उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 5 बार से विधायक महबूब अली और उनके 2 बेटे एक बहू समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर अपहरण, धोखाधड़ी, लूटपाट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 3 जगहों पर वोट बनवाने का भी आरोप है। महबूब अली के बड़े बेटे परवेज अली पूर्व MLC रह चुके हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। महबूब अली सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मोहल्ला महमदी सराय निवासी शाहनवाज ने 6 नवंबर को DM BK त्रिपाठी को एक शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक के पूर्व MLC बेटे परवेज अली ने अपने और परिवार के लोगों के वोट गांव शकरपुर नगर पालिका के वार्ड 9 और वार्ड 2 में बनवाए हैं। इसके लिए परवेज अली ने फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया है। 3 स्थान पर वोट बनवाकर वो अनुचित राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने 2 मतदाता सूची से उनके वोट कटवा दिए थे। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता शहनवाज ने आरोप लगाया है कि 3 दिसंबर की शाम वो अपने घर में मौजूद थे, तभी पूर्व MLC परवेज अली, उनके भाई शहनवाज अली, इकरार नगर निवासी समर्थक फरमान अली और मोहल्ला लकड़ा निवासी लईक मलिक घर में घुस आए। चारों ने हथियार के बल पर डरा धमका कर अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे मोहल्ला दानिश मंदन स्थित घर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपितों ने कई कागजों और फोटो पर उसके हस्ताक्षर कराए और वीडियो बना ली। आरोप लगाया है कि पूर्व MLC परवेज अली, उसके भाई शहनवाज अली ने तमंचे के बल पर जेब में रखे कागजात और 2,000 रुपए लूट लिए। साथ ही शिकायत का खंडन तैयार कराने की बात कही। पीड़ित ने अपने और परिवार के सदस्यों की जान को खतरा बताया है। किसी तरह उनके चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित शाहनवाज ने मामले की शिकायत SP से की थी। पुलिस के मुताबिक विधायक के बेटे परवेज अली शाहनवाज, परवेज अली की पत्नी नीलोफर, समर्थक फरमान अली और लाइक मलिक के विरुद्ध धोखाधड़ी, अपहरण, लूटपाट, धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये एक अदर कोतवाली सिटी में हमारे यहाँ एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कि शहनवाज जो वादी हैं, जो कि पुत्र अकील अहमद, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, इसमें जांच की गई है और जांच के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनके द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा इनके वोटों को लेकर, जो कई जगह इनके वोट पंजीकृत हैं वोटर लिस्ट में, उसमें इनकी द्वारा शिकायत की गई थी। इस शिकायत से क्षुब्ध होकर इन जो भी कहते हैं व्यक्ति नामजद हुए हैं इसमें, परवेज अली, नीलोफर, शहनवाज, फरमान अली और लईक मलिक, इनके द्वारा इनको डराया धमकाया गया है और बेवजह इन पर दबाव बनाया गया है और इनसे जबरदस्ती कहीं जगह दस्तखत कराए गए हैं। तो इस आधार पर इनकी तहरीक के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कौन है ये लोग जो आरोपी है? आरोपी इसमें परवेज अहमद, ये लोगों को बताया गया है कि ये लोगों के नाम कई जगह इसमें लिस्ट में आए हुए थे और इन नामों को लेके जांच हुई है और जांच के बाद जिला प्रशासन ने उन नामों को करेक्ट किया है और काटा भी है। तो इन वादी महोदय का ये आरोप है कि ये एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई थी, जिसपे क्षुब्ध होकर इनके द्वारा एक कृत्य किया गया। पूर्व MLC है? हाँ, ये बताया जा रहा है पूर्व MLC। फिलहाल आपको बता दें कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जा सकता है।